हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक इंटेक्स का 21 इंच का एक सीआरटी टीवी आया हुआ है रिपेयर के लिए। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको इस टीवी को मैं आज रिपेयर करके आपको दिखाने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, टीवी को मैं कारण दे करके मैं आपको इसका प्रॉब्लम को मैं दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, लाइन दे दिया हूँ और देखिए हमारा टीवी ऑन हो गया है। तो इसका प्रॉब्लम आप देख सकते हैं पिक्चर के ऊपर में। दोस्तों, हॉरिजॉन्टल बार आ रहा है, देखिए आप पिक्चर में देख सकते हो। तो इसको दोस्तों कैसे रिपेयर करना है आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं टीवी को खोल लिया हूँ, देख सकते हो। देखिए, आपको बोर्ड को उल्टा करके मैं दिखा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले क्या करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं एक कैपेसिटर, ये थोड़ा सा फूल गया है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक आईसी लगा हुआ है, वर्टिकल आईसी। तो इस दोनों को पहले मैं रिप्लेस करके आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, मैं कैपेसिटर को खोल लिया हूँ, देखिए थोड़ा सा फूल गया है ये। तो इसको दोस्तों मैं सबसे पहले रिप्लेस कर लूँगा। देखिए, 47 MFD 160 वोल्ट 160 वोल्ट का है। देखिए, ये वर्टिकल आईसी को भी मैं खोल लिया हूँ। देखिए दोस्तों, मैं खोल लिया हूँ। इसका नंबर है दोस्तों 7804078 0। तो देखिए, मेरे पास एक आईसी है 78045 है, जो कि सेम है। तो इसको दोस्तों मैं यहाँ पे लगा करके आपको दिखाऊंगा कि मेरा प्रॉब्लम ठीक होता है या नहीं होता है। वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको लगा करके आपको दिखाता हूँ। और देखिए, यहाँ पे मैं इस आईसी को लगा दिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। और देखिए, ये कारण दे दिया हूँ। और देखिए, हमारा प्रॉब्लम जैसा था वैसा ही है, अभी भी हमारा प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व नहीं हुआ है। तो देखिए आपको मैं क्या किया हूँ इसमें। देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों 180 ओम्स का देखिए रेजिस्टेंस लगा हुआ था, जो कि जल गया था, देखिए फटा हुआ है। तो ये वाला रेजिस्टेंस मैं रिप्लेस करके देखता हूँ। देखिए, 180 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ये मैं एक रेजिस्टेंस ले लिया हूँ, देखिए 180 ओम्स का। यहाँ पे कॉलर देख सकते हैं। तो इसको मैं रिप्लेस करके आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा प्रॉब्लम जो है ठीक होता है या नहीं होता है। देखिए, इसको मैं ऊपर से ही लगा दिया हूँ, देख सकते हैं। ऊपर से इसको मैं लगा दिया हूँ रेजिस्टेंस को। और देखिए, अभी आपको मैं करंट दे करके दिखा रहा हूँ, अभी मेरा प्रॉब्लम जो है ठीक होता है या नहीं होता है। देखिए, मेरा टीवी अभी ऑन हो रहा है। देखिए दोस्तों, देखिए मेरा प्रॉब्लम जो था सॉल्व हो गया है और मेरा टीवी जो बिल्कुल क्लियर चल रहा है, अभी कोई डिस्टर्ब नहीं है। वीडियो में आप देख सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
लाइक कीजिए और हो सके तो बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा टीवी जो है बिल्कुल सही चल रहा है, अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। जो हमारा हॉरिजॉन्टल बार आ रहा था वो अभी बिल्कुल ठीक हो गया है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।